तो आप लोग जो है ये मिनी व्लॉग देखकर कहीं पर जाना मत। मिनी व्लॉग बनाने वाले 10-15 सेकंड में वीडियो बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल जब आओगे वीडियो देख के तब हालत ख़राब हो जाएगी। ये सारी चीज़ें वो लोग बताते नहीं हैं। सो किम छो गाइस, मैं हूं भान प्रजापति और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके जाने वाला हूं जहां पर आपको 22 देवी देवताओं के दर्शन होंगे। तो इंस्टाग्राम पे एक मिनी व्लॉग देखकर मैं निकल गया इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सुबह के 10:30 बजे मैं पहुंच गया विरार स्टेशन और विरार स्टेशन से मैं जा रहा हूँ लोकल ट्रेन में बोरीवली। तो ये जो ट्रेन है वो विरार से 10:56 का है, तो हमें बोरीवली जाने के लिए 40 से 45 मिनट्स लगेगा। फोर्टी मिनट्स का ट्रैवल करके मैं पहुंच गया बोरीवली। जो मैंने मिनी व्लॉग देखा था उसमें सिर्फ बस नंबर दिखाया था कि मुझे कौन सी बस नंबर से जाना है, लेकिन कहां से मिलेगी वो बस वो नहीं बताया था। तो मैं पहुंच गया हूं बोरीवली ईस्ट में और यहां से जो है बस भी जाती है और आप ऑटो में जाना चाहते हो शेयरिंग ऑटो में तो शेयरिंग ऑटो भी जाती है। आप जैसे ही बोरीवली ईस्ट में आओगे स्टेशन से लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे जाना है, वहाँ पर आपको बस स्टॉप भी मिल जाएगा और वहाँ से शेयरिंग ऑटो भी आपको जो है मिल जाएगा त्रि मंदिर जाने के लिए। बस जो है निकलने वाली थी इसीलिए मैं जल्दी से गया बस के पास और बस में जाकर बैठ गया। बस का जो टिकट कॉस्ट था वो था 6 रुपीस। बोरीवली स्टेशन से त्रि मंदिर का जो डिस्टेंस है वो है 1.8 किलोमीटर। तो मैं उतर तो गया हूँ बस स्टॉप के यहाँ पे, लेकिन ऋषिवन बस स्टॉप के यहाँ पर बस लेकर नहीं गए। अंदर जो कंडक्टर थे बस के अंदर, उन्होंने बताया कि ऋषिवन तक बस जाएगी नहीं, आपको जो यहाँ इस बस स्टॉप पे उतरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक बस स्टॉप है काजूपाड़ा, उस बस स्टॉप पे उतरा हूँ और यहाँ से अभी हमें 500 मीटर चल के जाना होगा। तो आप लोग जो है ये मिनी व्लॉग देखकर कहीं पर जाना मत। मिनी व्लॉग बनाने वाले 10-15 सेकंड में वीडियो बना देते, लेकिन एक्चुअल जब आओगे वीडियो देख के तब हालत ख़राब हो जाएगी। ये सारी चीज़ें वो लोग बताते नहीं हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वो मंदिर दिख रहा है और यहाँ राइट हैंड साइड पे पूरा जो एरिया देख रहे हो पूरा नेशनल पार्क का एरिया है। तो ये वाले गेट से जो है हमें अंदर जाना है। तो मंदिर के यहाँ पे पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे जो है थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ पर, तो हमें जो है थोड़ा सा पीछे साइड जाके एंट्री लेना है मंदिर के अंदर। तो सबसे पहले इस मंदिर को बाहर से देखते हैं। ये जो मंदिर है आपको पूरा व्हाइट कलर में देखने मिलेगा। देखने में ये मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। ये जो त्रि मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, परम पूज्य एम पटेल जिन्हें दादा भगवान के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा बनाया गया था। यहाँ इस मंदिर में आपको 3 मेजर रिलीजन्स के भगवान देखने मिलेंगे, जैनिज्म, शिविज्म और वैष्णविज्म। उनके साथ साथ और भी कई सारे भगवान आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे।
मंदिर के बाहर के साइड में भी आपको चार और छोटे मंदिर देखने मिलते हैं। मंदिर के अंदर ही एक आपको राइट हैंड साइड पे छोटा सा स्टोर देखने मिलेगा, जहां से आप बुक्स, डीवीडीज और भी कई सारी चीजें यहां पर खरीद सकते हो। मंदिर के अंदर दीवारों पर परम पूज्य दादा श्री के विचार इस पोस्टर के थ्रू लगाए गए थे। मंदिर के बाहर लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टोर भी बना हुआ है। ये जो मंदिर है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला होता है। इस मंदिर में सुबह 8:15 बजे और शाम को 7:45 बजे आरती होती है। इस मंदिर के बारे में अगर आपको और भी कई सारी जानकारी चाहिए तो यहाँ इस साइट पर जाकर इस मंदिर के बारे में और भी कई सारी जानकारी ले सकते हो। सो गाइस, मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया वापस बाहर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और आप भी यहाँ पर आ सकते हो इस वीडियो के थ्रू। और इस मंदिर का जो एड्रेस है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो गूगल लोकेशन है वो भी दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू आ सकते हो। तो अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आओ जो हर हर महादेव।